लक्ष्मणगढ़ कस्बे के चिमरावली बस स्टैंड से कठुमर तक लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत से NCRPB योजना में सड़क का नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण के अंतर्गत बन रहे हाईवे का निर्माण कस्बे से होकर करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को कस्बे के दर्जनों की तादाद में लोगों ने राष्ट्रीय राजधानी परियोजना के प्रभारी अधिकारी के नाम SDM अनिल सिंगल को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार NCR के प्रभारी अधिकारी के नाम SDM को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि गांव चिमरावली बस स्टैंड से कठुमर तक लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत से NCRPB योजना में सड़क का नवीनीकरण व चौड़ाईकरण का कार्य चल रहा है, जो अंतिम पड़ाव पर है। विभाग के द्वारा हाईवे का निर्माण कस्बे के मध्य से पूर्व में जा रहे मार्ग पर ही करना प्रस्तावित है। ज्ञापन में बताया कि कस्बे के लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हाईवे को कस्बे के मध्य से नहीं निकलवाकर बाईपास बनवाना चाहते हैं। शिकायतकर्ता लोगों ने खुद ही ग्राम पंचायत की जगहों पर दुकानें बना रखी हैं। ज्ञापन में बताया कि अगर विभाग के द्वारा कस्बे के अंदर से हाईवे का निर्माण किया जाता है तो राजकोषीय 1 रुपए का भी मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ अतिक्रमण हटाने से ही हाईवे का आसानी से निर्माण किया जा सकेगा, फिर बाईपास निकलवाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है, जबकि बाईपास बनवाने में काफी किसानों को मुआवजा देना पड़ेगा और कस्बे के तीनों तरफ बांध भी स्थित है। ज्ञापन में आरोप लगाया कि नव निर्वाचित विधायक जौहरीलाल मीणा भी कुछ लोगों के चुंगल में फंसकर कस्बे को बर्बाद करने वालों का साथ दे रहे हैं। इस दौरान पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र कोठारी, जितेंद्र महावर, फौजी काला मीना, विक्रम सिंह नरुका, इकबाल खान, वेद प्रहलाद चौधरी, प्रधान प्रेमचंद धिया, नत्थी गुप्ता, रूप सिंह पूनिया, चरण सिंह राजपूत के अलावा कई अन्य लोग मौजूद थे। लक्ष्मणगढ़ में विकास कार्य आया था और जिससे हमें लक्ष्मणगढ़ को 4 चांद लगने थे, लेकिन कुछ लोगों ने विधायक साहब को यहाँ लाके और हमारे विकास कार्य में बाधा डाली है। हम पुरजोर विरोध करते हैं कि हमारे विकास कार्य को न रोका जाए। बावड़ी से और जो बस स्टैंड कठुमर रोड तक है, इसको जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र बनवाया जाए। राजपूत समाज, विक्रम सिंह नरुका, लक्ष्मणगढ़ ज्ञापन देने आए हैं। जो हमारे रोड निकल रहा है वो हमारे बीच शहर से होके निकले, और जो ये विकास की गति है, जो हमने शहर से रोड निकलेगा, शहर से जुड़ेगा तो हमारा कस्बे का विकास भी होगा। और इसको कुछ लोग इसको बाधित हो रहे, इसमें विधायक साहब को कल लेके आए थे और उसके लिए हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं और सभी से निवेदन है कि हमारे इस रोड की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए रखें। अगर यहाँ SDM कार्यालय में आए हैं, हमारी मांग यह है कि लक्ष्मणगढ़ बाईपास ना निकालते हुए लक्ष्मणगढ़ प्रॉपर से जो सड़क है उसी को चौड़ाया जाए और उसमें जो भी है वह सरकार को उचित कदम उठाकर उसी को बनाना चाहिए। यदि बाईपास बनाते हैं तो इससे कस्बे का विकास थम जाएगा और कस्बे की कोई कीमत नहीं रहेगी। इसलिए हम यही निवेदन करने आज SDM साहब से आए हैं कि अंदर से ही रास्ता बनना चाहिए। बाईपास पहले भी मंजूर होता पर उसे मंजूरी नहीं दी गई थी किन्हीं कारणवश, और वह कारण अब भी तैयार हैं क्योंकि उसको बाईपास निकालने की वजह से मंदिरों को क्षतिग्रस्त करना पड़ रहा है, इस वजह से उसको फेल कर दिया गया था। अतः हमारा निवेदन यही है कि बीच में से होकर ही रोड बनाया जाए ताकि कस्बे का हित हो सके। ऐसा है, बहुत लंबे समय से कस्बे की मांग आ रही थी सड़क बनाने की जी, और जिला मुख्यालय से भी और गड़ी और ये सब रोड जो खराब पड़े थे हमारे, अब बड़ी मुश्किल से नंबर ये आया है कि कस्बे में रोड बने। और रोड बनने में कुछ लोगों ने इसमें व्यवधान पैदा किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बावड़ी से लेके और भगत सिंह सर्कल तक मेरे ख्याल से कोई एकाधी व्यक्ति ऐसा होगा जिसको मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा, अंतर सब एग्रीकल्चर लैंड में और अतिक्रमण में निर्माण किए हुए हैं। हमारा कस्बे वासियों का निवेदन यह है कि कस्बे के जो रोड स्वीकृत है उसी पर कार्य होना चाहिए। विधायक महोदय को भी इन लोगों ने लाके कल पेश किया था, हम विधायक महोदय से भी डेप्यूटेशन लेके मिलेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि रोड यहीं से होकर निकले, अन्यत्र होकर ना निकले, क्योंकि दोनों तरफ बांध है और उस बांध के बीच में सरकार जो उपजाऊ जमीन लेगी उस पर भी किस काश्तकारों को ऐतराज होगा और फिर उसमें भी व्यवधान पैदा हो जाएगा और वो समस्या वहीं की में रह जाएगी।